हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें डिस्कस करेंगे इंडियन नेवी INCET 1 2023 टेट्समैन चार्जमैन डोर्समैन रिजल्ट आ गया। फाइनल कटअप 2023 कितना गया है, चाहे वो जनरल की हो, OBC हो, SC कैटेगरी हो, ST कैटेगरी हो, एक्स सर्विसमैन हो या फिर फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी हो, तो इसमें सबका टेट्समैन का जो भी है, चार्जमैन में जो भी आपके आपके वैकेंसी आई थी, चाहे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन जो भी डॉर्समैन कंस्ट्रक्शन, ये सारा कुछ यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। प्रत्येक कैटेगरी वाइज कितना कटअप गया है फाइनल, वो सारा कुछ यहाँ पे क्लियर होने वाला है। तो वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, क्या करिए, चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, रिजल्ट चेक कैसे करना वो ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वो आपको मिल जाएगा। ओके, और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लेके चलते हैं आपको कटअप के बारे में, डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप, फुल डिस्कस करेंगे, तो पेशेंस रखिएगा। एक एक डिस्कस करने वाले हैं, चाहे वो चार्जमैन हो, टेट्समैन हो, टॉर्समैन हो। ओके, एक चीज़ और बता दूँ, कुछ बच्चों के लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ है, जैसे कि चार्जमैन वाले बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी खुशखबरी है यहाँ पे, ये चार्जमैन वालों के लिए, और जो ट्रेड्समैन वाले हैं उनके लिए ये आप लिख लीजिए। ओके, ट्रेड्समैन वालों के लिए कटअप का हाल ये है और चार्जमैन वालों के लिए कटअप का हाल ये रहने वाला है। ओके, रिजल्ट देखने के बाद आपको पता चल गया होगा, बाकी मैं कटअप आपके साथ शेयर कर दूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये ओपन कर लिया है PDF। चलिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कटअप जो है चार्जमैन अम्यूनियन वर्कशॉप, इसका हम कटअप डिस्कस कर लेते हैं, जिसका भी ये ब्रांच है चार्जमैन में अम्यूनेशन वर्कशॉप के लिए। तो उसका कटअप कितना गया है वो आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर कटअप मार्क्स जो आपका रखा गया है, जनरल का 94 रखा गया है, राइट, ये अम्यूनेशन वालों के लिए जनरल का 94 है, SC का 89 है, यहाँ पे ST का 93 है, OBC का 94 कटअप गया भैया, 94 नंबर, ये समझ सकते हैं कितने बड़ा कटअप होने वाला है। EWS का 92 गया है, ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कटअप आई गया, और अदर्स जो है 59 पे गया है। बाकी ये आप देख सकते हैं इसमें एक्स सर्विसमैन का यहाँ पे कोटा नहीं है। चलिए चार्जमैन फैक्ट्री की बात कर ले, तो चार्जमैन फैक्ट्री का जो आपका कटअप गया वो भी आप देख सकते हैं कितना हाई कटअप है, ये जनरल का 95, SC का 95, ST का 95 भैया, जनरल SC ST सब का 95, OBC का 94 है, EWS का 89 कटअप गया है। और यहाँ पे बात करें जो PWBDS जो OH है, अदर जो है वो 73 नंबर है, हाईएस्ट कटअप गया है आपका। ओके, हाईएस्ट कटअप। अब बात कर लेते हैं सीनियर डॉट्समैन अर्मामेंट की, राइट, चलिए सीनियर डॉट्समैन का कटअप की बात करें तो यहाँ पे देखिए, सॉरी मैंने आपको एक चीज़ बता दिया शुरू में, मैंने जैसे आपको बताया कि चार्जमैन के लिए खुशखबरी है, ये खुशखबरी जो है वो डॉट्समैन के लिए थी, क्योंकि अनरिजर्व जनरल का कटअप 33 नंबर गया भैया, कितना 33 नंबर, SC का कटअप 40 नंबर, ST का कटअप 30 नंबर और OBC का 24 नंबर पर आपका रिजल्ट हुआ है, 24 नंबर OBC का रिजल्ट हुआ है भैया, जनरल का 33 नंबर, वही जो कटअप आपका चार्जमैन में आपका जो 95 नंबर कटअप है वो जनरल का यहाँ पे 33 है, इससे 3 गुना कटअप वहाँ पे है, तो ये समझ सकते हैं। सीनियर डॉट्समैन इलेक्ट्रिकल की कटअप की बात कर ले तो यहाँ भी कटअप कुछ वैसा ही बहुत कम गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल का कटअप भैया 27, जनरल से ज़्यादा कटअप हो गया, SC का 30 नंबर, ST का 27 नंबर और OBC का 23 नंबर कटअप गया है, यहाँ पे सबसे कम कटअप OBC का गया है सीनियर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए डॉट्समैन में। मैकेनिकल की बात करें सीनियर डॉट्समैन में तो यहाँ पे कटअप आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है, थोड़ा यहाँ पे जनरल का 47, SC का 47, ST का 36 और OBC का यहाँ पे 47, EWS कैंडिडेट जो है 27 नंबर, सबसे कम कटअप यहाँ पे, और अदर जो है यहाँ पे 40 नंबर। अब बात करें कंस्ट्रक्शन वाले सीनियर डॉट्समैन कंस्ट्रक्शन का जो कटअप गया है वो कितना गया है, यहाँ पे भी बहुत कम कटअप, OBC देख सकते हैं 21 नंबर, जनरल का 24 नंबर और SC का कटअप गया है 31 नंबर भैया, ये आप देख सकते हैं एक अलग ही रोल आया है रिजल्ट। और यहाँ पे सीनियर कार्टोग्राफिक जो है उनका रिजल्ट देख सकते हैं, OBC का 24 नंबर और जनरल का 29 नंबर, 29 और 24 नंबर, इतना नहीं आ रहा भैया तो फिर तो कुछ है ही नहीं आपके में, राइट, कुछ भी नहीं है। ओके, चलिए अब बात करेंगे ट्रेड्समैन मेट, जिसका सबसे ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भर रखा है और अभी भी उसका फिर से वैकेंसी आ चुका है, तो उसको हम लेके डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं कि उसका कटअप कितना गया है। चलिए यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं, बैक टू बैक चलेंगे नीचे, यहाँ पर आते हैं सबसे नीचे, और सबसे नीचे जैसे ही आएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं दिमाग आपका हो सकता है थोड़ा सा
बीपी हाई लो हो सकता है। कट ऑफ मार्क्स जो है यहाँ पे जनरल का देख सकते हैं 89 नंबर यहाँ पे कट ऑफ गया है जनरल का। ओबीसी की कट ऑफ की बात करें तो 84 नंबर गया है। एससी की कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे 66 नंबर गया है। एसटी का कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे 60 नंबर गया है। और सबसे यहाँ पे अच्छा है एक्स सर्विसमैन के लिए, एक्स सर्विसमैन का अगर कोटा है तो यहाँ पे 35 नंबर आपका कट ऑफ गया है। और जो वीएच है वहाँ पे 74 है, और एचएच जो कैंडिडेट हैं उनका 51 है, पीडब्ल्यूडी है उनका 66 है, और डीएस जो अदर है इनका 40 नंबर है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी इसका रिजल्ट का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सो वहाँ पे आ सकते हैं। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक का भी लिंक दे रखा है, फेसबुक का और टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप चैनल का भी, तो तीनों जगह आप ज्वाइन हो सकते हैं, तीनों जगह आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो कैसा लगा ज़रूर बता दीजिएगा, आपका कितना नंबर आया वो भी बता दीजिए, आपका रिजल्ट हुआ है कि नहीं हुआ है वो बता दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी आ चुका है उसके चक्कर में हम लोग लगेंगे। ओके, मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।